الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله सबसे पहले तो मैं अरशद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुयस्सर किया है जहां हम पढ़े लिखे लोगों को, सोचने और गौर करने वाले लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके जहन का मुताला कर सकते हैं और यहां मुख्तलिफ जाविये फिक्र रखने वाले लोग आकर अपनी फिक्र का इजहार भी कर सकते हैं, दूसरों से इत्तेफाक भी कर सकते हैं और दूसरों से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। तो पहली चीज जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से हमें इख्तिलाफ करने के और इत्तेफाक करने के आदाब को समझना पड़ेगा। आज का हमारा मौजू बहुत ही हसास है, तस्किए नस का मौजू और तसव्वुफ का मौजू। इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो जो कायलीन तसव्वुफ हैं वो भी बड़े सख्त हैं और वो अपने मौकफ के अलावा कोई बात सुनना नहीं चाहते। जो मुनकिरीन तसव्वुफ हैं वो तसव्वुफ की कोई बात सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसे माहौल में आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरी मुश्किलात कितनी बड़ी होंगी और मैं बिल्कुल उसी तरह की मुसीबत में गिरफ्तार हूं जब मुझे कराची कंपनी में 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन पर तकरीर करने के लिए बुलाया गया और जिसमें अहले तशय्यो और अहले सुन्नत और सिपाही सहाबा के लोग भी मौजूद थे। तो एक ऐसे माहौल में जहां पर मोहब्बतें और नफरतें अपनी इंतहा पर पहुंची हुई हों, संजीदगी से कोई बात को समझना, उसको गौर करना, उसका तज्जिया करना, जिसको हम अंग्रेजी में एनालिसिस एंड सिंथेसिस कहते हैं, एक मुश्किल काम है और मैं एक बहुत ही कमजोर और नाकिस तालिब इल्म हूं। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे वो सलाहियत अता फरमाए कि मैं अपना मुद्दा और अपना माफी उस जमीर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मैंने इब्तिदा में जो हमदिया मसनून अल्फाज अदा किए थे उसमें एक टुकड़ा था व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरी अनफुसिना, और हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपने नफ्स के शुरूर से। ये मौलवी हजरात जुमे के खुतबे में और तकरीरों में उलमा ये जुमला रट लेते हैं और बयान तो कर देते हैं नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरी अनफुसिना, लेकिन उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा क्या है और नफ्स के शुरूर क्या है। कुरान मजीद कहता है इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। हजरत यूसुफ एक जलीलुल कद्र पैगंबर थे लेकिन वो एतराफ करते हैं और कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी जिम्मा करार नहीं देता। इन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स आमिर होता है और आमिर से जब बहुत ज्यादा तरक्की कर लेता है वो अम्मारा बन जाता है और बुराई का हुक्म देता है, बुराई का हुक्म देता है। अच्छा, नफ्स क्या चीज है इसके बारे में हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने पढ़ दूं। ये कुरान मजीद में चार मकामात पर आई है। सूरह जुमा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے امیین کے درمیان، بنی اسماعیل کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا جس کے چار کام ہیں: تلاوت آیات، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت، نمبر دو تعلیم کتاب، کتاب کی تعلیم. اب کتاب کے بھی دو مطلب ہے، ایک تو قرآن مجید کی تعلیم، اور کتاب عربی میں فرائض کو بھی کہتے ہیں، فرائض کی تعلیم. نمبر تین وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم، جو احکام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں، یا احادیث میں جو احکام ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں. تو نبی کا کام حکمت کی تعلیم بھی ہے. اور چوتھی بات یہ فرمائی گئی وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ صحابہ کو پاک کرے. اب ذرا غور فرمائیے، یہاں چار چیزیں ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ. تو ان چار چیزوں میں تین چیزیں ذریعے کی حیثیت رکھتی ہیں، مقصد نہیں ہے. تلاوت بذات خود مقصد نہیں ہے، تعلیم بذات خود مقصد نہیں ہے، نہ تعلیم کتاب مقصد ہے نہ تعلیم حکمت مقصد ہے. اصل چیز تو ہے تزکیہ، یعنی انسانی نفوس کا پاک ہونا. عربی زبان میں تزکیے کے کئی مطلب ہیں، لیکن دو مفہوم بڑے اہم ہیں جو آج کے عنوان سے متعلق. تزکیے کا پہلا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھانا، بڑھوتری، گروتھ، ڈیولپمنٹ. تزکیے کا دوسرا مطلب ہے کسی چیز کو صاف کرنا، نکھارنا، سنوارنا، خوبصورت بنانا، دیدہ زیب بنانا. تو انسانی نفوس کی ترقی اور نشوونما، انسانی نفوس کو پاک کرنا، سنوارنا، نکھارنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک تقریر میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بتائی. انہوں نے یہ کہا کہ اس میں یعلمہم، ہم کا ایک لفظ آیا، اور کہا یتلو علیہم، یہاں ہم کی ضمیر یہاں بھی آئی، ویزکیہم. تو تین مرتبہ ہم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس سے انہوں نے استدلال یہ کیا کہ یہ صحابہ کرام کو نکھارنا، سنوارنا، پاک کرنا، ان کی شخصیت کی، ان کی پرسنالٹی کو بہتر بنانا، یہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد. اچھا، اب یہ جو نفس آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو میری آپ کے سامنے باڈی نظر آ رہی ہے یا آپ کی شکل مجھے نظر آ رہی ہے، تو اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. سب سے اہم چیز تو یہ ہے آپ کا دماغ ہے، اس کے بعد آپ کا دل ہے، اور دل اور دماغ کے بارے میں پھر بعد میں کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی. پھر آپ کا ایک بدن ہے، باڈی ہے آپ، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی صحت، جسمانی صحت ہے. تو یہ ضروری ہے کہ نبی آ کر آپ کی جسمانی اصلاح بھی کرے، آپ کی ذہنی اصلاح بھی کرے، آپ کی قلبی اصلاح بھی کرے. اسی لیے پرانے زمانے میں، پرانے مذاہب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو آدمی جس قدر گندا رہے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کا ولی اور مقرب ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَصِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. بدن کی پاکی، جسم کی پاکی، یہ شریعت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اچھا، نبی جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ دماغ کا تزکیہ کرتا ہے، دماغ کو صاف کرتا ہے، دماغ کو صاف کرتا ہے. وہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیابی ہوگی. پتھر خدا نہیں ہے، انسان خدا نہیں ہے، پیغمبر خدا نہیں ہو سکتا، فرشتے خدا نہیں ہو سکتے، سورج چاند خدا نہیں ہو سکتے، مخلوق خدا نہیں ہو سکتی. خدا کون ہے؟
खुदा एक है, वो मखलूक नहीं है, वो खालिक है, वो सबसे जुदा है। तो नबी का पहला काम सुनिए, नबी आकर वो ये नहीं कहता कि मैं आपके लिए आपके गांव में गैस लगवा दूंगा, आपकी सड़कें चमका दूंगा, मैं आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ये कर दूंगा। वो ये कहता है कि फलाह और कामयाबी तौहीद में। पहली बात जो नबी, कोई नबी हो, चाहे वो आदम हो, चाहे वो लूत हो, चाहे वो हूद अलैहिस्सलाम हो, साले अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो मूसा हो, ईसा हो, हारून हो, सुलेमान हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहली बात जो इंसानों से की जाती है वो ये कि अल्लाह को एक तस्लीम करो। इसके बाद तो दिमाग जब दुरुस्त होगा, फिक्र आपकी सही होगी, आप तौहीद के रास्ते पर कायम हो जाएंगे, फिर आपकी सारी चीजें, आपके आमाल दुरुस्त होंगे, फिर आप नमाज पढ़ेंगे। पहले नमाज नहीं है, पहले तौहीद है, पहले कलीमा है, पहले नमाज नहीं है। ज़कात पहले नहीं है, पहले कलीमा है, तौहीद है, फिर उसके बाद नमाज है, फिर उसके बाद ज़कात, उसके बाद फिर रोजे का नंबर आता है, उसके बाद फिर हज का नंबर आता है। तो ये तरतीब भी वही हम पेश नजर रखें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान से साबित हो। अच्छा जी, अब मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो इंसानी नफ्स है, इसके बाद नबी का एक काम ये होता है कि वो नियतों की इस्लाह करे। चुनांचे हदीस में आता है, इन फिल जसदी मुदगा इज़ा सलाहत सलाहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला हियल क़ल्ब। फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर ये लोथड़ा सही रहे तो पूरा जिस्म सही रहेगा, और अगर ये बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। और फरमाया सुन लो, जान लो, वो क्या चीज है, वो कल्ब है। अब मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूं कि ये जो नफ्स है ये एक बहुत ही पेचीदा चीज है। मूसा अलैहिस्सलाम का नफ्स अलग था, ईसा अलैहिस्सलाम का नफ्स और था, अबू बकर का नफ्स और है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन उनका नफ्स अलग है। आपका नफ्स आपकी बीवी से मुख्तलिफ है, आपके भाई से मुख्तलिफ है, आपकी वालदा से मुख्तलिफ है, और कुछ चीजें ज्यादा बाप की होंगी, कुछ चीजें मां की होंगी, आपकी चचा की होंगी। अच्छा, ये जो नफ्स है इसमें कंजूसी भी कुछ रख दी गई, इसमें कुछ फैयाजी भी रख दी गई, इसमें इंतकाम का जज्बा भी है। ये अंदर की जो दुनिया है आपकी, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, नफ्स की दुनिया। यानी मैं मिसाल देता हूं आपको, फर्ज कीजिए आप यहां इतने लोग बैठे हुए हैं और यहां पीछे आपकी बीवियां और लड़कियां पीछे खवातीन हैं। फर्ज कीजिए ये इत्तला आती है कि पीछे आग लग गई है और 50 खवातीन जलकर कबाब हो गई, तो उसका रद्द अमल आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा। तमाम 50 लोग जो बैठे हुए हैं उन सब का रद्द अमल मुख्तलिफ होगा। अच्छा, इसमें आपकी कुछ जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, आपकी जबिली खानदानी जो चीजें वो भी होती हैं, कुछ आपकी तरबियत का असर होता है, कुछ आपका इल्म होता है, क्या सोहबत पाई है आपने। हो सकता है एक आदमी चिल्लाए, किसने आग लगाई है, कौन है वो, क्या हुआ, मेरी बीवी कहां है, मेरी बेटी कहां है, कोई वावाला करेगा, कोई जो है चिल्लाएगा, कोई जो है बचाने की कोशिश करेगा, कोई हवास में रहेगा, कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगा, कोई बुरी खबर या अच्छी खबर सुनकर आपके जिस्म के अंदर अंदर की दुनिया में क्या रद्द अमल वाकई होता है और कैसे उसका खारिजी इजहार आप करते हैं, तो ये है कॉम्प्लिकेटेडनेस। अच्छा, कोई चीज गलत देखते हैं आप, फर्ज कीजिए आपका बेटा कोई गलत काम करता है, रात के 12 बजे घर आता है मिसाल के तौर पर, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उसको मारते हैं, क्या उसको डांटते हैं, एक प्यार से समझाते हैं, एक मरतबा समझाते हैं, दो मरतबा समझाते हैं, तीन मरतबा, चार मरतबा समझाते हैं। ये हर आदमी का एक अलग तरीका होगा। अगर आप ये कहें कि तमाम लोगों को एक ही फॉर्मूला इख्तियार करना चाहिए, तो हजरत मूसा के अंदर गुस्सा बहुत था, पैदाइशी तौर पर था उनके अंदर,
हजरत उमर बिन खत्ताब के अंदर भी पैदाइशी तौर पर बहुत ही जलाल था। मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तो कहता हूं जब कुरान पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं कि जब वो देखा उन्होंने कि बछड़े को खुदा बना लिया, उनके हाथ में तौरात की तख्तियां थी, उन्होंने उठा के फेंक दी। और जब कुरान कहता है फलम्मा सकत अनहुल गदब, जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर तख्तियां उठाई। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि कोई मौलवी कोई मुफ्ती मूसा अलैहिस्सलाम के सामने नहीं था जब उन्होंने तौरात की तख्तियां उठाकर फेंकी थी। समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि ये आपकी जो रिएक्शंस हैं आपकी, ये एक अंदर की दुनिया होती है कि आप अंदर की दुनिया को कैसे संवारने की कोशिश करते हैं, उसमें झांकने की कोशिश करते हैं। और ये भी मैं बात बता दूं कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े आलिम हो जाते हैं, किताबें लिख लेते हैं, तकरीरें करते हैं, दुनिया में वाह वाह होती है उनकी, उनकी तारीफ के डोंगरे बरसाए जाते हैं, लेकिन अपनी नफसी जिंदगी में वो बहुत ही घटिया होते हैं। और उसकी वजह यह होती है, हालांकि शेखुल हदीस है और शेखुल कुरान है, इतना सारा पढ़ लिया है, लेकिन इतना सारा इल्म है, इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में झांकने का उनको मौका कम मिलता है। अच्छा, अब मैं ये जो रोजा है, रोजा भी एक जाहिरी रोजा है, एक बातिनी रोजा है। जाहिरी रोजा यही है कि फजर की अजान से लेकर गुरुबे आफ्ताब तक आप तीन चीजों से अपने आप को रोके रखिए, खाने से, पीने से और बीवी से मखसूस ताल्लुक के साथ। ये जाहिरी रोजा है आपका। ये रोजा आप बकरी से भी करवा सकते हैं, गाय से भी करवा सकते हैं। इस वक्त में बांध दीजिए उसको, उसके मुंह पे कोई चीज लगा दीजिए, उसकी शर्मगाह पे कोई चीज बांध दीजिए तो कोई चीज नहीं होगी। लेकिन एक बातिनी रोजा होता है और उसकी तरफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत फरमाई। और बातिन का रोजा यही है कि आदमी गुस्से में न आए, कोई गाली दे तो कह दे कि इन्नी साइमुन इन्नी साइमुन साब बाहद, कोई आपको गाली दे। तो इसी तरह नमाज का भी एक बातिन है। इस मौजू पर मैंने किताब लिखी है, नमाज की जाहिरी हयात और मानवीयत, और एक हमारे दोस्त ने उसका उन्वान बदल कर अब दूसरा एडिशन उसका शाये किया है, रूह नमाज और मरासी में नमाज। तो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, वो कहेंगे कि आप यहां हाथ बांधिए और आप जो है टांगे ऐसे कीजिए और उंगली ऐसे उठाइए, ये उंगली उठाइए, ऐसे उठाइए। तो ये सब चीजें, और वो ये कहते हैं कि ये हदीस में है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, सही हदीस है। तो ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा जाहिर में भी हम पर फर्ज है, लेकिन देखना यह है कि नमाज के अंदर की क्या कैफियत है हमारी, नमाज की अंदर क्या चीज है। तो इमाम इब्नुल कय्यिम रहमहुल्लाह ने नमाजियों की पांच किस्में बयान की। पहली किस्म है मुफरिद की, मुफरिद इफराद से काम लेता है, इफराद और तफरीद से काम लेता है, मुफर्रिद भी है। वुजू सही नहीं करता, कोनी खुश्क होती है, एड़ी खुश्क होती है, अरकान नमाज सही अदा नहीं करता, रुकू सही नहीं होता, सजदा सही नहीं होता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम, नमाज खत्म हो गई। मुफरित है, डंडी मारता है, नमाज का चोर है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ इख्तिलास, इख्तिलास का मतलब है चोरी, नमाज की चोरी है। और फरमाया सबसे बड़ा चोर नमाज का चोर है जो नमाज के अरकान को चुराता है। और फरमाया गया कि सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, किसी को 1/10 10% सवाब मिलता है, किसी को 1/9 11% सवाब मिलता है, किसी को 1/8 12.5% सवाब मिलता है, किसी को 1/6 16.66% सवाब मिलता है, किसी को 1/5 20% सवाब मिलता है, किसी को 1/3 सवाब मिलता है 33%, और किसी को निस्फ मिलता है। हालांकि सब लोग नमाज पढ़े, एक ही नमाज है। और आजकल सबसे जो है आफत वाली नमाज तरावी की नमाज मौलवी की होती है, न मौलवी को पता चलता है कि वो क्या पढ़ रहा है, न सुनने वालों को पता चलता है कि क्या पढ़ रहा है, सुन रहा है। सबसे बड़ी आफत यही नमाज है।
तो न उसमें सजदा सही, न रुकू सही, न जो है तिलावत सही, और वो क्यों पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, एक रस्म है जो हमें निभानी है। तो हमारा दीन भी ये जो 1400 सालों के बाद, चूंकि हमारी एक मुसीबत ये भी है कि हम अहले जबान भी नहीं, अरबी हम नहीं जानते सहाबा किराम की तरह, तो हमारा दीन कुछ मरासिम का नाम रह गया है, कुछ जाहिरी शक्लें हैं, वो कर लें तो हम समझते हैं कि हमें जन्नत मिल जाएगी, और बातिन की तवज्जो बहुत कम है। सोच समझकर शऊरी तौर पर हम दीन का कोई फरीजा अंजाम नहीं दे। अच्छा जी, अब ये जो नफ्स है, मैं एक मिसाल से थोड़ा सा समझाता हूं आपको, बल्कि दो मिसालों से समझाता हूं, जरा समझ लीजिए कि जैसे आप ड्राइवर हैं, गाड़ी पर बैठे हुए हैं, आपको गाड़ी चलानी है, तो आगे बढ़ना है आपको, इस्लामाबाद से कराची जाना है, लाहौर जाना है आपको, तो दो काम करने हैं आपको। एक तो ये कि आगे बढ़ना है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट है आप, और दूसरी चीज ये कि आप दूसरे लोगों को बचाना है एक्सीडेंट से और अपने आप को भी एक्सीडेंट से बचाना है। तो तस्किए नफ्स का काम एक माहिर ड्राइवर का काम है, एक मशाक ड्राइवर का काम है कि आगे भी बढ़ना है और अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। अब एक दूसरी मिसाल मैं देता हूं आपको, तस्किए नफ्स का काम एक माली का काम है जो बाग की नशोनुमा को भी पेश नजर रखता है, यानी उसको खाद देता है, पानी देता है कि पौधे फले फूले बड़े बड़े होते, और फिर उसमें से उसकी तराश खराश भी करता है, उसको खूबसूरत बनाता है, डेकोरेट करता है उसको, उसमें से गोडी भी करता है, बेकार पौधे भी निकाल देता है, जो अपनी शख्सियत के अंदर मनफी चीजें हैं स्प्रे भी करता है, कुछ कीड़ों को मार देता है, कुछ को ट्रेन करता है, ट्रिम करता है, प्रून करता है, तो आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर झांकना, उसको एक खूबसूरत बाग में तब्दील करना, ये तस्किए नफ्स का मकसद है। इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे आपको, पहले उसकी ग्रोथ भी है और उसकी खूबसूरती भी है, एक अंदर की दुनिया को संवारना और निखारना। अच्छा जी, अब मैं चंद एक उसूल बड़ी तेजी के साथ आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि अमली तस्किए से पहले फिक्री तस्किया जरूरी है, यानी अगर आपकी सोच सही नहीं है, फिक्र सही नहीं है, तो अमल गलत होगा। देखिए, सही फिक्र के नतीजे में सुन्नत पैदा होती है और गलत फिक्र के नतीजे में बिदअत पैदा होती है। रूल नंबर वन, पहला उसूल तस्किए नफ्स का यह है कि सही फिक्र की, अगर फिक्र सही है, अकीदा सही है, सोच सही है आपकी, तो उसका अमल भी, बच्चा जो है हलाल बच्चा पैदा होगा। अगर सोच गलत है तो उसके नतीजे में हरामी बच्चा पैदा होगा और वह बिदअत होगी। ये पहला उसूल। दूसरा उसका उसूल यह है कि जो काम आप करें वो दिल की पाकीजगी के साथ करें, इखलास के साथ करें। इखलास का मतलब है प्योरिटी, खालिस चीज, यानी जो काम आप करें वो अल्लाह के लिए करें, चाहे नमाज पढ़ें, किताब लिखें, रोजा रखें, चाहे दुनिया बीवी के पास जाएं, शादी करें, बच्चे करें, बच्चों को पढ़ाएं, जो करें, सोए भी तो आप अल्लाह के लिए करें। कुरान जो है इसके लिए खास इस्तेलाहत इस्तेमाल करता है, लिवजहिल्लाह, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुक्र। इसके लिए कुरान कहता है इब्तिगा मर्दातिल्लाह, लिवजहिल्लाह, लिमर्दातिल्लाह और लिल्लाह, वलिल्लाहि अला नास हिज्जुल बैत। और इन्न सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्ला फसल्ली ली रब्बिक। माउन से कौसर का रब बता रहा हूं आपको अपनी किताब से, माउन में जिक्र हुआ अल्लज़ीना हुम युराउन, नमाजी हैं, दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, फवाइलुल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले हलाक हो जाएंगे।
غیر نمازی نہیں نماز پڑھنے والے. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. اس کا جواب وہاں اگلی سورت میں دیا, فصلی لربک, رب کے لیے نماز پڑھو, اور لربی کا ونحر, قربانی بھی رب کے لیے کرو, نفس کے لیے نہ کرو. پھر ابتغاء وجه ربه العال, اور جاہدوا والذین جاہدوا فینا اور فی سبیل اللہ. اور تو یہ خاص اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی, لوجہ اللہ, ابتغاء مرضات اللہ, فی اللہ, للہ, فی سبیل اللہ, یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے. تو جو کام بھی آپ کریں وہ اللہ کے لیے کریں. اور یہ بڑا عجیب مذہب ہے, ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جاتا ہے, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. ایک عجیب دین ہے. مسکراتے ہیں آپ کسی کو دیکھ کر, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. یہاں تو ایک ایک پل نیکیاں ہیں اور ایک ایک پل گناہ ہیں. تو اپنی شخصیت کو ایسے نکھارنا اور سنوارنا کہ ہمارا ہر لمحہ ثواب کا باعث بن جائے اور عذاب سے جو ہے دور ہو جائے. بعض اوقات یہ نفس خدا بن جاتا ہے. افرأیت من اتخذ ہواہ الہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. باہر کے آپ کو خدا نظر آتے ہیں نا, کوئی بری امام کی چادریں تو آپ کو نظر آتی ہیں کہ بہت بڑا شرک ہے, بہت بڑا شرک ہے. آپ کو دادا صاحب کی دینگیں بھی نظر آتی ہیں کہ بہت, لیکن ایک ایک یہاں پر بھی خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ, وہ آپ کو برائی کی طرف, انتقام کی طرف مجبور کرتا ہے آپ. ایک ایک شیطان یہاں بیٹھا ہوا, اس کو قابو میں کرنا, اس کو کنٹرول میں کرنا یہ بہت ضروری ہے. اب اس سلسلے کی تیسری بات یہ کہ مستند اور صحیح علم کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا. تصوف کے سلسلے میں بھی ایک جزوی بات کہہ دوں, اگر آپ برا نہ مانیں, مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. امام ابن القیم نے فرمایا, امام ابن القیم حدیث کے بہت بڑے عالم, امام ابن تیمیہ کے شاگرد, احادیث الاخطاب والاقواس والابدال والنقباء والنجباء كلها باطل. غوث کے بارے میں, قطب کے بارے میں, ابدال کے بارے میں, نجیب کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب باتیں ہیں, ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. تو علم آپ کا صحیح نہیں ہوگا, اخلاص کے باوجود آپ بھٹک سکتے ہیں. نیت اچھی ہے آپ کی, بہت پیارے آدمی ہیں, اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں, للہ فی اللہ کرتے ہیں کام, آپ نیت بہت اچھی ہے, بہت پیارے آدمی ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن چونکہ علم آپ کا صحیح نہیں ہے, آتھینٹک نہیں ہے, ریفرنس کے ساتھ نہیں ہے, حوالے کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے آپ بھٹک سکتے ہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا, ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا, اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی جھوٹی حدیث سناتا ہے, کوئی خبر سناتا ہے, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو, ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. چوتھی بات اس سلسلے کی جو میں کہنا چاہتا ہوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خفیہ علم حضرت علی کو دیا تھا, اور حضرت علی نے وہ خفیہ علم امام حسین کو دیا یا حسن بصری کو دیا, اور پھر امام حسین نے وہ زین العابدین کو دیا, زین العابدین نے وہ علم جو ہے وہ امام باقر کو دیا, امام باقر نے وہ علم امام جعفر صادق کو دیا, جعفر صادق نے وہ جو ہے موسیٰ کاظم کو دیا, موسیٰ کاظم نے جو ہے اس سری سختی کو دیا اور فلاں کو دیا, اور وہ ہوتے ہوتے جنید بغدادی تک آئے. یہ سینہ بسینہ کچھ خفیہ علم ہے. اب سنیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ 100% تمام کا تمام, ما انزل الیک, بلغ, پہنچا دیجیے. اگر آپ نے چھپایا, اگر آپ نے اس میں کوئی ڈنڈی ماری, تو پھر آپ نے کار نبوت ہی انجام نہیں دیا. فا
फरमा बल्लगता रिसालता हूं। फरमाया क्या आप लोगों से डर के छुपाना चाहते हैं? लोगों से डरते हैं? वल्लाह यासिमुका मिनन्नास, लोगों से बचाना अल्लाह का काम है, अल्लाह लोगों के शर से आपको बचाएगा, लेकिन आप दंगे की चोट पर सही बात कहिए। और आखिरी खुतबे में मरने से पहले हज्जतुल वदा के मौके पर आपने पूरे सहाबा मौजूद थे, 1 लाख से जायद थे, आपने पूछा हल बल्लगतु, सहाबा ने कहा कद बल्लगता वदैतल अमाना, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? साहबा ने कहा पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया, अमानत पहुंचा दी। तो आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई, सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह रहना गवाह रहना गवाह रहना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। तो याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कोई आयत नहीं छुपाई, कोई हदीस नहीं छुपाई, सबका सब जू का तू, आपसे ज्यादा अमीन कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता, सारे का सारा दीन आपने पहुंचा दिया। तो ये कहना कि कोई खुफिया इल्म है जो सीना ब सीना चल रहा है, वो सिर्फ उसी सूरत में हासिल हो सकता है जब आप किसी के हाथ पर बैत करेंगे, तो ये मामला बड़ा खतरनाक है। और फिर इसके नतीजे में आप अंदाजा कर लीजिए कि इस्लाम की क्या हालत हो सकती है और इस्लाम की क्या दुर्गत बन सकती है। कोई भी रेमंड डेविस आएगा आपके पास और कहेगा कि मेरे पास खुफिया कुछ इल्म है जो सीना बसीना मुझे पहुंच रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सिलसिले की चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जाहिर से ज्यादा बातिन मैंने पर जोर दिया, बैत से ज्यादा अहम चीज सोहबत है। सोहबत बहुत अहम चीज है कि, और ये बिल्कुल एक बदी ही बात है, अकली बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप जो है टैक्सी ड्राइवर्स के साथ या मिसाल के तौर पर तांगे वालों के साथ रहेंगे, मां बहन की गालियां आप सीख लेंगे। आप मैकेनिक्स में गाड़ी वालों के साथ रहें, देखिए वो कौन सी जबान इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है लोहार के पास जाएंगे तो कपड़े काले होंगे आपके, अत्तार के पास जाएंगे तो खुशबू आपके कपड़ों में भी आ जाएगी। किस महफिल में बैठते हैं आप, कि आपके आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी जो है मां की बहन की कंपनी है, या आपकी जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, ये कंपनी है आपकी। जैसी कंपनी होगी आप उसके असरात सीखते हैं। सहाबा के बारे में भी एक बात समझ लीजिए, सहाबा सोहबत से बने और बास बेवकूफ और बास नादान ये समझते हैं कि सहाबा सब बराबर है, सब बराबर है, झूठ कहते हैं गलत कहते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी आफत है। सहाबा याद रखिए, सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्यों? इसलिए कि आपने, आप 2 साल छोटे थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने सबसे ज्यादा सोहबत का फैज उठाया। और वो लोग जिन्होंने 5 मिनट आपके साथ रहे, 2 मिनट आपके साथ रहे, 1 मर्तबा देखा, वो हजरत अबू बकर के बराबर कैसे हो सकते हैं? जो 2 साल रहे, 1 साल रहे, देर से इस्लाम कबूल किया उन्होंने, वो कैसे जो है सीनियर लोगों के बराबर हो सकते हैं? अस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? तो इसको अच्छी तरह समझिए आप, तमाम सहाबा बराबर नहीं है। क्या ये हाल में बैठे हुए सारे लोग बराबर हैं? क्या इनका तमाम का IQ बराबर है? क्या इनका इल्म बराबर है? क्या इनका तकवा बराबर है? क्या खौफ खुदा बराबर है इनका? नहीं है। कोई भी मुआशरे में सारे लोग बराबर नहीं हो सकते। जो इस तरह की बात कहता है वो पागल है और वो दीन का दुश्मन है, जो नादानी की वजह से दीन को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद में मैं कहना चाहता हूं सिर्फ इल्म काफी नहीं, मैंने कहा ना सही और मुस्तनद इल्म होना चाहिए। सही हदीस क्या है, ज़ईफ हदीस क्या है, मैंने बताया आपको ये गौस और कुतुब और अब्दाल के बारे में सारी हदीसें झूठी हैं, सारी, कोई भी इसमें सनद तक नहीं पहुंचती, न रिवायतन सही न दिरायतन सही। तो अब सवाल यह है, इल्म है आपके पास, हदीस का इल्म बहुत है, लेकिन तफक्को नहीं है आपके पास, ये बहुत बड़ी आफत है। अब हम, मेरे साथ ऐसा मामला होता है, लोग कहते अच्छा हदीस है, आप हदीस की मुखालिफत कर रहे हैं, हदीस है भाई, मैं जानता हूं हदीस, तो मुझे हदीस न सिखाओ, मुझे जानता हूं मैं, मुझे पता है मुझे हदीस है। लेकिन सवाल यह है, ये हदीस दीन के पूरे फ्रेम में क्या हैसियत रखती है? ये बिल्कुल ऐसी बात है, सुन लीजिए आप, ये तफक्को क्या है मैं समझाता हूं। इसी से एक चीज निकलती है, एतदाल की।
जैसे आपकी तनख्वाह है 20,000 रुपये, आपने 5,000 अपने जेब में रख लिए, 15,000 लाके बेगम को दे दिए। अब बेगम ने क्या किया, 5,000 का आटा खरीद लिया, 5,000 की मिर्च खरीद ली, 5,000 का नमक खरीद लिया। आप क्या कहेंगे उसको, भाई आटा 5,000 का खरीद लिया और 5,000 का नमक के जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, लेकिन क्या 5,000 का खरीदा जाएगा? तो सुनिए, नमक के बगैर तो आप, अगर नमक नहीं हो तो आपका लोभी भी हो जाएगा, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। नमक जरूरी भी है, क्रिटिकल एलिमेंट है ये, लेकिन नमक ज्यादा भी हो जाए तो आपका बीपी हाई होके जो है आप जो है मर भी सकते हैं आप। तो खाने में नमक के बगैर तो आदमी बेनमक हो जाता है, लेकिन सवाल यह है कि नमक को किस मकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो इसी तरह जब हमारे पास पूरा कुरान है, पूरी हदीस हमारे पास मौजूद है, अब सुन लीजिए, ये हमारे बहुत सारे लोग खतीब और ये मौलवी हजरात, आप इनके 52 साल के खुतबों को जरा नोट कीजिए। ये दाढ़ी के ऊपर 3 जुमे बोलेंगे, 52 जुमे हैं साल में, दाढ़ी के ऊपर 3 जुमे की तकरीरें हैं इनके लिए। जकात पर इन्होंने गुज़िश्ता 10 साल से कभी बात नहीं की, न जकात के अहकाम कभी बताए इन्होंने। पूरे पाकिस्तान में सुन लीजिए, मेरे पास रोजाना औसतन 4 फोन आते हैं तलाक के बारे में, रोजाना। पूरा पाकिस्तान जाहिल है, जाहिल है, और सारे के सारे लोग एक वक्त में 3 तलाक देते हैं और फिर फोन करते रहते हैं कि जी मेरे मियां ने 3 तलाकें दे दी, मेरे मियां ने 3 तलाकें दे दी, एक वक्त में दे दी है, बताएं क्या कितनी तलाकें हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, कितनी हुई बताएं, मसला कोई बताएं, 3 तलाकें दे दी। कोई मौलवी, कोई खतीब ये नहीं बताता 1 तलाक दो, सिर्फ 1 दो, 1 दो, 1 देना चाहिए, 3 देना हराम है, 3 देना हराम है, कोई नहीं बताता। और जो चीजें गैर जरूरी हैं, गैर अहम हैं या कम अहम हैं, कम अहम, दीन की प्रायोरिटीज क्या है? दीन में सबसे पहले तौहीद है, तौहीद पर कितने लेक्चर होनी चाहिए, इसके बाद आपका एक मंसूबा होना चाहिए, नमाज पे कितने लेक्चर होनी चाहिए, ज़कात पर कितने लेक्चर होने चाहिए, इसी तरह फिर बीवी के हुकूक क्या है, इस पर एक जुमे का खुतबा होना चाहिए। लोग जुमे में नहीं आते, क्यों नहीं आते? मौलवी की बकवास सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो ये सारा मसला हमारा है, तफक्को नहीं है कि प्रायोरिटीज क्या है, तरजीहात क्या है दीन की, और जो छोटी चीज है उसको उस पर नमक मिर्च लगा को इतना बड़ा बना के पेश करेंगे। जो दीन की बुनियाद है, ज़कात दीन की बुनियाद है, ज़कात के बगैर कोई इस्लाम नहीं है, नमाज के बगैर कोई इस्लाम नहीं है, नमाज और ज़कात दीन के 2 बुनियादी सुतून है, इसके ऊपर हम बहुत कम वक्त सर्व करते हैं। तो और फजूल चीजों के बारे में जो अब उम्मत मुस्लिमा को इंतशार और इफ्तराक में मुब्तला करती है, उस पर हम बहुत सारा वक्त लगाते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि नमाज के बारे में बात करते करते रह गया कि एक मुफरिद होता है जो डंडी मारता है, इससे जो बड़ा नमाजी होता है वो महवे वसाविस, वसवसे आते हैं और वसवसों में खो जाता है। अल्लाह अकबर का उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद आ गया, हाँ जेब में कितने पैसे हैं, 5,000 रुपये, अच्छा किसको देने, उसमें से 1,000 उसको देने, 1,000 देने वो, उसके बाद इमाम कहता है अल्लाह अकबर, चलो अल्लाह, अपने आप को वसवसों के हवाले कर देता है, महवे वसाविस, वसवसों में खो हो जाता है, गुम हो जाता है। तीसरी बात जो इमाम इब्दुल कय्यिम रहमहुल्लाह ने कही कि उसके बाद तीसरा दर्जा है मुजाहिद वसाविस, वसवसे आते हैं, उनको झटकता है, उससे लड़ता है, मुजाहिद है ना, फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान, उधर ख्याल आ गया, फिर लौट के आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दोबारा शुरू करता है सूरह फातिहा, या अल्लाह तेरी तारीफ है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू कयामत के दिन का मालिक है, तेरी इबादत कर, एक एक जुमले को गौर करके वो पढ़ता है। तो ये इसके बाद, इससे ये तीसरा दर्जा है मुजाहिद वसाविस का। चौथा दर्जा है मुस्तगरिक, नमाज में गर्क हो जाता है, एक एक रुकन सही अदा करता है, रुकू सही, सजदा सही, क्याम सही, और हर लफ्ज़ समझ कर अदा करता है। वस्सलामु अला इबादिल्लाहिस सालिह, वस्सलामु अलैया वअलैना, हमारे ऊपर सलाम,
अत्तहियात लिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह ताला की, वत्तय्यिबात, तमाम पाक सदकात उसी के लिए। समझ के, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद, समझ के पढ़ो दुरूद। समझ के नहीं, गिनती बहुत है, मैं कितनी मरतबा, आपने कितनी मरतबा पढ़ा, 500 मरतबा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तारीफ। आप 10 मरतबा पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इत्मीनान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। हदीस में है कि आप 33 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, आपके पास वक्त नहीं है तो 10 मरतबा पढ़िए। भाई हमारा सारा मसला क्या है, मैं बता देता हूं आपको, क्वालिटी पे हमारा जोर नहीं है, क्वांटिटी पे जोर है। 17 रकात पढ़ो ईशा के, 17 पढ़ो, 20 रकात तरावी पढ़ो, बहुत जरूरी है बहुत। अगर 20 नहीं पढ़ेगा तो जन्नत में, जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं अगर आप 1 रकात तरावी भी नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत में जा सकते हो। फर्ज नमाज सही पढ़ लो, मुअक्कदा सही पढ़ लो, जन्नत में, तरावी के बगैर भी आप जन्नत में जा सकते हैं। क्वांटिटी पर ज्यादा जोर है, क्वालिटी पे नहीं है। हदीस में आता है मुनाजात, मुनाजात ये अबदन इजा सला, जब बंदा नमाज पढ़ता है युनाची रब, वो अपने रब से सरगोशी करता है, अपने रब से बातचीत करता है। बात 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 करना सीखिए। अगर आपको नमाज पढ़नी सीखनी हो तो अपने रब से बात करने का सलीका सीखिए। हाथ उठाया नहीं दुआ से, अभी बात करनी है कुछ खुदा से, खुदा से बात करने का ढंग। ये कब आता है, ये एक दिन में नहीं आता, मेहनत से आता है, तवज्जो से आता है। ये नमाज को समझकर, और आखिरी जो दर्जा है मुस्तगरिक के, चौथा दर्जा है वो है मुजाहिद का, वो है मुशाहिद का, वो अल्लाह को अपने सामने पाता है। और जो हदीस है कि अमल एहसान, एहसान क्या है, अंताबुद अल्लाह का अंतराहू, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा, और अगर तुम उसको देख नहीं सकोगे तो कम से कम ये समझो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो मेरे भाइयों, तो ये जो नफ्स है इसके अंदर सबसे बड़ा जो शैतान है वो तकब्बुर है। चुनाचे सही मुस्लिम की हदीस है कि मन कान फी कल्बिही, मन कान ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन किबर, कि जिसके पास जर्रा बराबर भी गुरूर और तकब्बुर होगा उसके दिल के अंदर, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अच्छा, अब यहां हदीस आती है मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, फिर क्या करेगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा। यहां कह रहे ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन किबर, जर्रा बराबर भी किब्र होगा तो जन्नत में आप नहीं जाएंगे। तो मतलब ये है डायरेक्टली जन्नत में नहीं जाएंगे, कलम गो बिल आखिर जाएगा, डायरेक्टली रास्त नहीं जाएंगे, दोज़ख की हवा खा के जन्नत में जाएंगे। कलमा गो को तो जाना है बहरहाल। तो ये जो किब्र है ये क्यों, इसकी वजह क्या है। दूसरी हदीस है अल किब्रु बत्रुल हक्की वहमतुन नास, ये हक की तकजीब है, हक को छुटलाना है और लोगों का इस्तेहकार है, लोगों को हकीर समझना है। अच्छा, ये होता क्यों है, तो ये जमाल की वजह से होता है, कमाल की वजह से होता है, माल की वजह से होता है, खिसाल की वजह से होता है। खूबसूरती का खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मैं बहुत खूबसूरत हूं, खूबसूरत हूं, खूबसूरती का गुरूर मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है, और माल का गुरूर, पैसे का गुरूर, इल्म का गुरूर। कारून ये कहता था इन्नमा उथी तो आला इल्म इन इंदी, मुझे ये दौलत मेरे इल्म की बुनियाद पर आता हुई है, इल्म का गुरूर था, आला इल्म इन इंदी। उसने कोई टेक्निक ऐसी डेवलप की थी कि वो सोने को खालिस कर लेता था, सुनार था कहते थे, सुनार से बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट बन गया था सुनार। फिर बनी इसराइल का था, मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, सगा चचाजाद थे, एक दादा की औलाद थी, लेकिन कैंप में चला गया, वो उनके कैंप में, फिरौन के कैंप में चला गया। काफलीक का था ना कारून, तो हुकूमत के साथ मिल गया वो।
اپنی اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جا کر مل کے. تو یہ غرور کیا تھا؟ یہ پیسے کا غرور، دولت کا غرور، علم کا غرور اور عبادات کا غرور. عبادات کا غرور، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اس کا غرور ہوتا ہے. تو یہ غرور کی کئی قسمیں ہیں. اور دیکھیے نفری کا غرور، ہیوی مینڈیٹ، ٹو تھرڈ ہمارے پاس میجورٹی. جیسے کہا گیا انا اکثر من کا مالم و عز نفع. وہ کہتا تھا کہ تیرے سے زیادہ میرے پاس مال ہے، نفری بھی زیادہ ہے. تیرے کتنے حمایتی ہیں؟ دو حمایتی ہیں نا. تو حیدرآباد دکن سے پاکستان میں آیا، تیرے کتنے حمایتی ہیں؟ چار پانچ حمایتی ہیں. میں یہاں کا لوکل ہوں، میں یہاں کا، میرے پاس، میں یہاں کا ملک ہوں، چودھری ہوں میں یہاں کا، میرے ہزار، میری برادری ہے یہاں پر. عزو نفر. تو یہ پھر انسان کے اندر یہ چیز جب آ جاتی ہے تو پھر وہ کئی دوسرے امراض کو جنم دیتی ہے. تو اب اس پر نگاہ رکھنا اور مستقل نگاہ رکھنا اور محاسبہ کرنا. اس لیے حدیث میں جب میں تو نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے یہ، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں پھر جب یہ دل کی صفائی نہیں ہوتی، حسد ہو جاتا ہے. اچھا ان کو اتنی جگہ بلایا جاتا ہے، ان کی اتنی تقریریں ہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اچھا ان کی تین بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، میری تین بیٹیاں کنواری ہیں. اچھا ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ان کا بیٹا انجینئر بن گیا، میرے میں ہم بھی ان سے بہتر تھے، ہمارے بیٹے پڑھ نہیں سکے. یہ حسد اور جلن. تو دوسرے کو دیکھ کر پھر یہ پھر بخس پیدا ہو جاتا ہے، حقد پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر. اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا بیٹا پڑھ نہیں سکا، اس کی ذہین نہیں تھا. چچا کا بیٹا پڑھ گیا، ذہین تھا، اللہ اس کو اور علم دے، اور دولت دے، اور عزت دے. تو اللہ ذہانت جو ہے وہ اللہ کی دین ہے. میرے بیٹے نے محنت نہیں کی، چچا کے بیٹے نے محنت کر لی، کامیاب ہو گیا الحمدللہ. کہ اللہ اس کو ایک اچھا رشتہ مل گیا، ہمیں بھی اچھا رشتہ نصیب فرمایا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ علم سے دور نہیں ہوتی بلکہ مسلسل توجہ سے، اچھی صحبت سے. کوئی ایسا آدمی ہو جو آپ کو روکے ٹوکے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیعت ہو، بیعت سے کچھ نہیں ہوتا. وہی ہے مکے سے آئے شیخ جی، لیکن وہ تو وہی ہے خر کے خر. حج کر کے آ گئے لیکن وہی گدھے کا گدھا ہے. حج کرنے سے کیا گدھا جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے؟ حاجی کو بٹھا کے لے گیا، حاجی کو بٹھا کے لے گیا آپ نے کیڑ کے اوپر. مکے کا دورہ بھی کر لیا اس نے، صاف طواف بھی کر لی، لیکن گدھا گدھا ہی رہتا. تو علم اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، اور اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت اور چیز ہے. اس وہی ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر اپنے اندر جھانکنا کہ میں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. I used to blame others but they were not at fault, I was at fault. میری غلطی کیا تھی؟ یہ مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اپنے نفس کی غلطیوں پر توجہ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ شیر ہے، پھر یہی حدیث میں بات آتی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کوئی غلط بات اس کی زبان سے نہ نکلے. یہ ہے. تو میرے دوستو، اب میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، بس ایک آخری خلاصے میں چند ایک باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کیسے پھر یہ جو مال کا غرور اور حسن کا غرور، جمال کا غرور، عہدے کا غرور، منصب کا غرور، علم کا غرور، عبادت کا غرور، اس پر کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب پھر یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ چیز اللہ نے مجھے دی ہے، یہ میرا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے. میں گورا اگر ہوں، اللہ نے مجھے گورا بنایا ہے،
मुझे मेरा क्या कमाल है इसमें, मेरी जाती खूबी क्या है। अगर अगर अल्लाह ने मुझे जहीन बनाया है, मेरी हाई आईक्यू है, तो इसमें मेरा क्या कमाल है, अल्लाह ने जहीन बनाया है। तो कमाल मेरा नहीं है, कमाल अल्लाह का है। माल भी मेरे पास आया तो इसमें मेरी कोई कोशिश नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तौफीक है और उसने असबाब फराहम किए। तो अल्लाह को जब आदमी अपने सामने पेश नजर रखेगा तो अपने आप को हकीर जानेगा। तो इसके फिर नतीजे में आदमी के अंदर इंकसार भी पैदा होता है, तवाज़ु भी पैदा होती है, नरमी भी पैदा होती है, खशियत भी पैदा होती है, और फिर सब्र और शुक्र और तवक्कुल के जज्बात पैदा होते हैं। फिर इसमें एक और अहम चीज जो आपकी मददगार साबित हो सकती है, वो मौत की याद है। मौत की याद, चुनांचे हदीस में है, उस्कुरु अक्सरु हाज़िमिल लज़्ज़ा, कसरत से यानी अलमौत, कसरत से लज़्ज़ात को फना करने वाली चीज यानी मौत को याद करो। मौत को याद करो, तसव्वुर करो कि मैं कब्र में जाना है जो है, और मैं कब्र में जाऊंगा, सवाल जवाब मुझे अल्लाह के दरबार में मुझे पहुंचना है, तो फिर ये दुनिया आपको फकीर नजर आए और अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त ज्यादा हो सकती है और अपने नफ्स की खाबियां सिर्फ उसी वक्त नजर आ सकती हैं जब इस फानी दुनिया के अंदर, इस फानी दुनिया के अंदर इंसान अपनी फना को पेश नजर रखे। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइर मुस्लिमीन वस्तग़फिरुहु इन्नहु वल गफूर रहीम। जो कुछ क्वेश्चंस, जो सवाल आपके हों, प्लीज उनको ये माइक पास कर दिया जाएगा आपकी तरफ, तो अपना सवाल इस माइक में दीजिएगा। अपना नाम भी बता दीजिए और अपना मुख्तसर सा तारुफ भी, फिर सवाल कीजिए। तारिक पट्टी, रिटायर्ड प्रोफेसर। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि तसव्वुर क्या है और क्या ये हमारी शख्सियत को निखारने में मदद कर सकता है। देखिए, तसव्वुफ का लफ्ज ना कुरान मजीद में है ना हदीस में है, और तसव्वुफ जो है बाब तफाउल से है, तो बाब तफाउल में भी न ये सूफी से हो सकता है न सुफा से हो सकता है। तो तसव्वुफ पहले से मौजूद था, ईसाइयत में मौजूद था, हिंदू मजहब के अंदर मौजूद था, और तो ये यहूदियत के अंदर मौजूद था, और फिर ये जो ज़ोरास्ट्रिज्म है, बुद्ध मत है, इनके अंदर यानी इस्लाम से पहले रहबानियत के रुझानात मौजूद थे। और कुरान मजीद की में सूरह हदीद के अंदर रहमानियत को बिदअत कहा, इब्तदाउहा मा कतबनाहा, अल्लाह ने इसको फर्ज नहीं ठहराया रहमानियत। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं अल्फाज, अल्फाज को छोड़ दीजिए आप। तसव्वुफ से यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि आप हिंदू तसव्वुफ की बात कर रहे हैं या कौन से तसव्वुफ की बात कर रहे हैं। तो फिर हम यही कहेंगे, जब आप तसव्वुफ का लफ्ज इस्तेमाल करें तो फिर इस्लामी तसव्वुफ कहेंगे। अच्छा, जब आप इस्लामी तसव्वुफ कहेंगे फिर उसमें भी फिर सवाल पैदा होगा कि कौन सा तसव्वुफ, बरेलवी तसव्वुफ, देवबंदी तसव्वुफ, अहले हदीस का तसव्वुफ, क्योंकि अहले हदीस के यहां भी तसव्वुफ पाया जाता है, शायद लोगों को यह मालूम नहीं है कि, और फिर हरेक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मुसलमानों के अंदर तसव्वुफ है, मैं इस्लामी तसव्वुफ तो कोई चीज नहीं है, इस्लामी तसव्वुफ तो वही है तज़किए नफ्स, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो तसव्वुफ पैदा हुआ है उसकी तीन किस्में हैं। एक वो चीज है जो खालिस इस्लामी है, कुरान में है, हदीस में है, और उसको फैलाना, उसको आम करना हमारे लिए जरूरी है। तसव्वुफ की
जो मुसलमानों का तसव्वुफ मुसलमानों के अंदर है उसके अंदर दूसरे किस्म का जो तसव्वुफ है वो कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ है और हर मुसलमान को चाहिए कि वो उसको मिटाए। और एक तीसरे किस्म का तसव्वुफ वो है मुसलमानों के अंदर जिसमें कुछ चीजें इस्लाम की हैं और कुछ चीजें गैर इस्लाम की हैं, यानी सही और गलत खल्त मल्त हो गया है उसमें, तो उसको बारीक बीनी से देखना, जांचना और परखना और अच्छी चीज को लेना और बुरी चीज को मुस्तरद करना ये जरूरी है। जी ये खवातीन की तरफ से गालिबन सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, हमारे जामे मस्जिद में जुमे के खुतबे में सिर्फ इन इख्तिलाफी इश्यूज बयान करते हैं, मसलन जुमेरात मनानी चाहिए, गौसे आजम के फजाइल, शबरात के मसाइल वगैरह, मेरे भाई वाली साहब ऐसे खुतबे सुनते हैं फिर वो आकर घर में इख्तलाफात करते हैं। अब हालत ये होती है कि हर जुमेरात को लाइट करके सुर मिलाते हैं, अल्लाह हु कहते हैं और अब लाउड स्पीकर पर भी ये जिक्र होता है। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों के पास इल्म है, सही इल्म है, वो मुख्तलिफ जामे मस्जिद में खुतबा देने के लिए कहें क्यों नहीं जाते? मुख्तलिफ लेक्चर्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं और लेक्चर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, खुसूसन जुमे की नमाज के लिए तो लोग जाते हैं और तो मौलवी लोग तो एक हफ्ते में नमाज एक बार पढ़ते हैं। ये मेडिटेशन है या म्यूटेशन है, क्या है मेडिटेशन? जी इसकी तस्वीर के वहां क्या तालीम दी जाती है? देखिए उम्मत बात को जरा समझिए, अल्लाह ताला हम सबको दीन की दावत के लिए कबूल फरमा और इत्तेहाद उम्मत के लिए कबूल फरमाए। यूं समझिए कि अल्लाह से हमें दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें डॉक्टर बना दे। डॉक्टर हम उसी वक्त बनेंगे, इस उम्मत का इलाज हम उसी वक्त कर सकेंगे जब हमें बीमारियों का इल्म होगा। नंबर दो हमें इलाज का इल्म होगा। तो अपने मुआशरे को अच्छी तरह समझना और कुरान और हदीस को अच्छी तरह समझना, तारीख का गहरा इल्म रखना कि तारीख में खराबियां बतदरीज कैसे पैदा हुई। तो जो आदमी कुरान और सुन्नत का इल्म भी नहीं रखता, हिस्ट्री ऑफ डिजीज भी नहीं जानता और मुआशरे को भी नहीं जानता कि मुआशरे में क्या बीमारियां हैं, वो फिर माशरे का इलाज नहीं कर सकता। तो मैं जो चीज कहना चाहता हूं कि कुरान तसव्वुफ टाइप की जो तालीमात कुरान और हदीस के अंदर सही मौजूद है हमें उसका इनकार नहीं करना चाहिए। जी उसका नाम लोगों ने तसव्वुफ रख लिया, हम उसको तसव्वुफ नहीं कहते, हम उसको तज़किरे नफ्स कहते हैं, हम उसको एहसान कहते हैं उसको। तो अल्फाज के बीचों में उलझते नहीं, दाना गव्वास को मतलब है सदफ से के गौहर से। तो अल्लामा इकबाल यही बात कहते हैं, अल्फाज में न जाइए आप, लेकिन अगर मगरबी तसव्वुफ है, सरमायादाराना तसव्वुफ है, तो हम उसको हराम समझते हैं, उसको हम उसको मिटाना चाहते हैं। या एक तसव्वुर यह है असूफी ला मजहब लहू, सूफी का कोई मजहब नहीं होता, वो तो हर मजहब को मानता है। यहां इस्लामाबाद में एक साहब है बाराकाऊ के पास, उनका नाम है दीदार हुसैन शाह। तो उन्होंने किया ये है कि एक मस्जिद बनाई है, एक वहां कब्र है एक बुजुर्ग की और उसके साथ एक गुरुद्वारा है और उसके साथ एक चर्च है और उसके साथ एक मंदिर है। और वो कहते हैं कि मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरे पास परवेज मुशर्रफ रात के 2 बजे आता है और मेरे पास जरदारी रात के 3 बजे आता है, सिख मेरे पास आते हैं, हिंदू मेरे पास आते हैं, तुम लोग लगे रहो नमाजों में लगे रहो, मेरा तसव्वुफ कुछ और है। मैं इस बातिन की इस्लाह की बात करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप तसव्वुफ की बात करेंगे तो फिर सवाल यह पैदा होगा कौन सा तसव्वुफ, दीदार हुसैन शाह का तसव्वुफ या जो है सलमान हुसैन शाह का तसव्वुफ, ये सवाल पैदा होगा।
फलां साहब का तसव्वुफ, फिर उसके अंदर कितनी खराबियां खामियां देखनी पड़ेंगी। तो सीधी बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि जो तालीमात कुरान में मिलती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलती हैं, उसको हम ले लेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, वो आखिरी नबी है और उनकी हर बात हमारे लिए हुज्जत है। अच्छा जी, एक सवाल आया है टॉपिक से पहले माजर, उलमा के मुतालिक सवाल ये है कि एक दूसरे पर तनकीद क्यों कर रहे हैं, इससे सुनने वालों पर नेगेटिव तासुर पैदा होता है, ऐसा क्यों है? देखिए whether you like it or not, moisturize it। देखिए शुदर मुर्ग अगर अपना सर रेत में छुपा ले तो तूफान टल नहीं जाता, तूफान तो है। हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है, पहले इसको समझ लीजिए आप, हमारे पाकिस्तानी माशरे में एक बहुत बड़ा तबका है सेक्युलर, जो दीन को नहीं मानता। सेक्युलर तबका मौजूद है जो पर्दे को नहीं मानता, नमाज को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता। एक बहुत बड़ा तबका है लिबरल्स का, बहुत बड़ा तबका है उस, और ये तबका है कोई 10%। इसके बरखिलाफ हमारा एक मजहबी तबका है, वो भी कोई 10% और आवाम उन्नास है 80%। उनको कुछ नहीं पता दीन में, उनका कुछ नहीं पता। अच्छा, वो जो 10% मजहबी तबका है उसके अंदर कुछ सुन्नी है, कुछ शिया है, उसके अंदर कुछ देवबंदी है, कुछ बरेलवी है, कुछ अहले हदीस है, कुछ जमात इस्लामी से, कुछ तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार से वाबस्ता है। जो देवबंदी हैं उनकी भी 15-20 किस्में हैं, जो बरेलवी हैं उनकी भी 15-20 किस्में हैं, जो अहले हदीस हैं उनकी भी कई किस्में हैं, जो इस्लामी तहरीक है उनकी भी कई किस्में हैं। तो ये पिक्चर क्या है, सारा पिक्चर क्या है? ये पिक्चर यही है कि ये उम्मत अभी नाबालिग है। मंजर ये कह रहा है, हालात ये कह रहे हैं, इस उम्मत को ये पता ही नहीं है कि हमारे दुश्मन कौन है। हमारा असल दुश्मन तो अमेरिका है, हमारा असल दुश्मन तो मगरबी तहजीब है, हमारी असल दुश्मन तो इसराइल है और नफ्स भी है। तो ये जो 12 किस्म के देवबंदी हैं या 12 किस्म के बरेलवी हैं और ये 10 किस्म के जो है अहले हदीस हैं, तो मसला क्या है इनका? वही नफ्स का मसला है, पैसे का मसला है, इख्तदार का मसला है, चौधराहट का मसला है, सारे मसले हैं ना। इनके पीछे नमाज नहीं होती, उनके पीछे नमाज नहीं होती, बरेलियों की देवबंदियों के पीछे नहीं होती, देवबंदियों के अहले हदीस के पीछे नहीं होती, और कि जमात इस्लामी के पीछे नहीं होती, तंजीम इस्लामी के पीछे नहीं होती, तो सारे मसाइल क्या है ये? तो मेरी ये जिसने भी ये सवाल किया है, मेरे भाई मेरी बहन, तो आप ये हो रहा है ना, उलमा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी एक तारीख है। तो अब हमें दीन का काम करना है, तो दीन का काम करने के लिए हमें इनके इख्तिलाफात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले कुरान और सुन्नत का इल्म भी हासिल करें, यानी MBBS भी करें आप, हिस्ट्री ऑफ डिसीजेस को भी जानें और इलाज की भी कोशिश करें। और मरीज से हम नफरत नहीं कर सकते, एक डॉक्टर अगर मरीज से नफरत करे तो फिर वो दावत का काम नहीं कर सकते। तो ये है मसला, यानी ग्राउंड फैक्ट्स ग्राउंड रियालिटीज यही है। तो इसको मानकर, इसको तस्लीम करके इसका हल तलाश करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। मेरा नाम सलाम का सलीम तारिक लोन है कि बास, जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत दूसरे नंबर पर तैमिक बात इस्लाम का रोकन बुनियाद है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये अमल वो है जो तवातर के साथ सबके साथ सामने रोजाना 5 वक्त कम से कम जज्बात में जूझे, कुछ और होगी लेकिन नशे कभी भी, जैसे हम जानते हैं कभी नहीं छोड़ा जाए, मन सबके साथ मिलकर सबके साथ तवातर के साथ आखिरी दिन तक भी उसके बाद ही जाएगा। तो ये जो बहुत से खिलाफात पैदा हो गए, एक दोस्त कह रहे थे कुछ 53 शायद उसमें
53 छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं, लेकिन उसमें बड़े भी थोड़े से हैं। असल क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में आखिरी दुआ था आखिर उस दिन का कैसे नमाज था, अगर मैं ये जानना चाहूँ मुसलमान कैसी इससे अगर मैं वो तरीका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आप मुझे खादमी को ये सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफाइड दे देंगे कि ये तरीका ठीक है। अल हदीस बताते हमारे दोस्त माशा कितनी हदीसें दी हैं कि रफा लेता है आज का नाम कर रहा हूँ मुझे क्या शायद वही ठीक हो और आमीन कहना और भी बहुत सी एक बार क्या पैदाशी को हम हंफी में हंफी हम हंफी हैं सुनते आए हैं तो वो तो उसमें यह है कि सूरह फातिहा का पढ़ने के बाद में खासतौर पर मामला है तो ये मामला क्यों पैदा हुआ जब वो सूरह फातिहा के हर चीज को पूछ लेते थे तो सवाल या सूरह फातिहा कर लेते हैं जानते हो वो कहते हैं अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं जैसे हर चीज का पता है सूरह कैसे लिखा जाता था नाखून काटती थी छोटी छोटी चीजें जो एक तवातर के साथ सब के सामने बात हुई उसमें ये क्यों जब क्या पैदा हुआ उसमें क्या कोई शैतानी ईमान है कि इस तरह क्या पैदा हो गया क्या चीज है भाई हमारे इन्होंने बुनियादी बात जो की है वो नमाज नबी से जो कर रहे थे सबसे तस्किया नफ्स के लिए मैं उसके साथ ही अनुमान है कि नमाज तस्किया नफ्स के लिए इसका एक बहुत अहम किरदार है और वो नमाज जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रहती हो उसी की कबूलियत का इम्कान ज्यादा है अल्लाह के यहाँ और हमारे लिए तस्किया नफ्स के लिए भी उसका किरदार सबसे ज्यादा है। जैसे उन्होंने ये कहा और ये बिल्कुल बात सही है कि बहुत सारे इख्तलाफात आ गए हैं, मैं उसकी एक मिसाल मसल देता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद सलाम करने के बाद की तमाई बाली फरमाई ये साबित नहीं है, सिर्फ तीन असहाबा ने दुआ की है, बार नाम इसे विदा नहीं कह करेंगे क्योंकि तीन असहाबा ने दुआ मांगी है लेकिन हजूर पाक सिर्फ साबित नहीं है। अब हमारे यहाँ हिन्दुस्तान पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट है जैसे बांग्लादेश में भी यहाँ इजमाई दुआ मांगी जाती है तो इस किस्म के और भी इख्तलाफ है। नमाज नबी का जो तस्वर है वो हमें कहाँ से मिलेगा इसमें बड़े सारे इख्तलाफ हैं। अब जब तक हमें वो नमाज नबी सही तरह नहीं समझ आती मेरे ख्याल में शायद ये जो इख्तलाफी सूरते हैं हमारे तस्किया नफ्स में भी रुकावट पैदा करेंगी और हमारे इस्लाम में भी और अल्लाह के यहाँ मेरी दरख्वास्त का सबसे कि प्लीज टॉपिक के मुताबिक ही सवाल कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाब इसका साथ है ताकि जो टॉपिक से तल्लक करके सवाल का जवाब देखिए इसके जवाब में मैं ये कहूंगा अर्शद साहब से कि इस पर मैं मुख्तसरन जवाब तो दे दूंगा आपको एक दो मिनट के अंदर इंशाल्लाह लेकिन मैं अर्शद साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस मौजू पर एक अलग लेक्चर लिखें रखें कि ये इमाम क्या है और इमामों के इख्तलाफात क्या हैं कतई इख्तलाफात के असबाब क्या हैं और मौजूदा जमाने में उनको कैसे हल किया जा सके तो ये एक घंटे का लेक्चर हो फिर एक दो घंटे के सवाल और जवाब हो मैं फिर कुछ चीजें आपको प्रोजेक्टर के जरिए से बताऊंगा कुछ नोट्स दूंगा तो शायद आपको ये चीज कुछ समझ में आए लेकिन मुख्तसरन एक बात मैं बताता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके इंतकाल के बाद मुख्तलिफ असबाब की वजह से मुख्तलिफ शहरों में फैले ऑफिशियल पोस्टिंग की वजह से जिहाद की वजह से दावत तबलीग की वजह से या और असबाब की वजह से चुनाचे अब्दुल्ला बिन मसूद इराक चले गए, अबू दर्दा और बिलाल शाम चले गए, अबू उबैदा अल जर्राह शाम चले गए, कुछ सहाबा यमन चले गए, अमर बिन आस वगैरह और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये मिस्र चले गए।
तो इस तरह सहाबा कराम मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। हजरत अनस पर, जब अनस बिन मालिक खादिम रसूल पर हज्जाज ने सख्ती की तो वो बसरा चले गए। तो इस तरह बड़े बड़े सहाबा जो थे इल्म के, सियासी जरूरत के तहत या सरकारी मुलाजिमत की वजह से या जिहाद की वजह से या दौलत तबलीग की वजह से, फुतूहात की वजह से फैल गए। अच्छा, अब ये जो सहाबा थे इनकी भी कई किस्में थी। कुछ लोग पहले मुसलमान हुए थे, कुछ देर से मुसलमान हुए थे, किसी के पास ज्यादा इल्म था, किसी के पास कम इल्म था, किसी के पास ज्यादा हदीसें थी, किसी के पास कम थी। तो बहरहाल जो कूफे में जो इल्म आम हुआ वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक पहुंचा। तो आप ये कह सकते हैं कि इमाम अबू हनीफा का जो इल्म है वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अली की रिवायात पर मुश्तमल है। इसके बाद जो इमाम मालिक मदीने में पैदा हुए, मदीने में इंतकाल किया, इनका जो भी जो इल्म है इमाम मालिक का वो एक महदूद इल्म है और वो सिर्फ मदीने के सहाबा के इल्म पर मुश्तमल है। यानी हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, अबू हुरैरा है, अब्दुल्ला बिन उमर है, जो मदीने में सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी, जो चीजें उन्होंने मदीने के शुयूख से हासिल की। अब आ जाइए सबसे अहम मसला जो पैदा होता है वो इमाम शाफई का। इमाम शाफई मक्के में पैदा होते हैं, मक्के का इल्म हासिल करते हैं, 13 साल में मुफ्ती बनते हैं, फिर वहां से जाते हैं वो मदीना, फिर मदीने से जाते हैं वो बसरा, यमन, कूफा, बगदाद, अल्टीमेटली वो जाते हैं मिस्र, मिस्र में उनकी मौत होती है। इमाम शाफई के पास 7 मुल्कों का इल्म, 7 मुल्कों के सहाबा का इल्म है। तो वो हनफी इल्म और शाफई इल्म और मक्की इल्म सबका कॉम्प्रिहेंसिव इल्म जो है वो इमाम शाफई के पास है। इमाम शाफई के शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके पास कोई 20-25 शहरों का इल्म, 40,000 हदीसें इन्होंने जमा की हैं, 40,000 हदीसें मुसनद अहमद में जमा की हैं। और इमाम शाफई ने वसीयत की थी इमाम अहमद को, उनके शागिर्द हैं वो, कि अगर तुम्हें कोई हदीस मिल जाए तो बताओ, मैं अपना फतवा बदल दूं, हदीस मिल जाएगी तो मैं फतवा चेंज कर दूं। तो उससे यानी कॉम्प्रिहेंसिव इल्म यानी इमाम अहमद के पास, इमाम अहमद हैज मोर अहादीस देन इमाम शाफी। लेकिन उसूल जो है, उसूल में इमाम शाफी बड़े हैं, क्योंकि उसूल बनाने वाले इमाम शाफी इमाम अहमद नहीं है। इमाम शाफी ने उसूल बनाया कि हम हर शहर की हदीस लेंगे और हर सहाबी की रिवायत लेंगे और सहाबा के इजमा को देखेंगे, हम इंडिविजुअल सहाबा की ओपिनियन को हम नहीं लेंगे। अगर सहाबा का इजमा हो गया तो उसको लेंगे, एक सहाबी की राय का फैसला नहीं करेंगे, हदीस को सहाबी के कौल पर अमल पर तरजीह देंगे। तो ये असल जो जो रूल्स हैं मुहद्दिसीन के, उसके पायनियर या जो आदमी है वो इमाम शाफी, उसको मजीद बेहतर किया इमाम अहमद ने। इमाम अहमद के शागिर्द हैं बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, दारमी, अबी दाऊद, इब्ने माजा, ये सब इमाम अहमद के शागिर्द हैं। तो उसको मजीद निखारा और संवारा वो इमाम, ये जो है इमाम अहमद की चीज हो। इन्हीं को यहां पाकिस्तान में मुहद्दिसीन का जो मसलक है, यानी असल जिसके इमाम इमाम शाफई है और शुरू में वो हम्बली है, उसी को पाकिस्तान में अहले हदीस कहते हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी बहस है। तो हमें इसमें जो सही रास्ता यही है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक से ज्यादा सुन्नतें मनकूल हो तो कभी इस सुन्नत पे अमल कर लीजिए, कभी उस सुन्नत पे अमल कर। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 आपको बातें बताता हूं। ये जो एक मरतबा रफुल यदैन की हदीस है ये सही है, नसरुद्दीन अल्बानी ने इसको सही कहा है, ये अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल है, लेकिन एक सहाबी का। 4 मरतबा रफुल यदैन करने की जो रिवायात है वो 60-70 है, तो 4 की रिवायात भी सही है, कसरत है, कई सहाबत हैं। एक की रिवायत सिर्फ अब्दुल्ला बिन मसूद की है लेकिन ज़ईफ नहीं है, सही है। तो कभी इस पर अमल कर लीजिए, कभी इस पर अमल कर लीजिए, क्या मसला है यार। लेकिन खुदा के लिए किसी को काफिर न कहिए, किसी को गुमराह न कहिए, हर एक के पीछे नमाज पढ़िए, खाने काबा जाके नमाज पढ़िए,
तो बास बेवकूफ ऐसे होते हैं। कराची में एक बहुत बड़ा आलिम था यहां अहले हदीस का, उसका नाम था मसूद अहमद, समझे, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन था पागल और इंतजाम से। खाने काबा गया तो खाने काबा में इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पड़ी, और दूसरे वो पीर बदीउद्दीन शाह राजशिदी वगैरह ने कहा कि पढ़ो, उसने कहा नहीं। तो जब आदमी जब इतना सख्त हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि मैं तो अपने बाप के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ूंगा, अपनी समझे अपने भाई के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये अच्छी चीज नहीं, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने एक मरतबा भी वजू में मुंह धोया है, दो मरतबा भी धोया है, तीन मरतबा भी धोया है, यानी आजा को, हाथ को, पांव को एक मरतबा भी धो सकते हैं। सर्दी का जमाना है, एक मरतबा धो लो, गर्मी का जमाना है, तीन मरतबा धो लो, तो तीन सुन्नतें हैं ना, तो तीनों पे अमल कर लो, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, लेकिन ज्यादा न लो। इसी तरह वितर के बारे में एक रकात वितर पढ़ने की सुन्नत है, तीन भी सुन्नत है सही साबित है, पांच भी सुन्नत है, सात भी साबित है, नौ भी साबित है, समझे आप, मैंने पूरा चार्ट पैनाफ्लेक्स बना के लगाया हुआ है, पैनाफ्लेक्स बना गया, कई पैनाफ्लेक्स बनाए हुए, तो झगड़ने की क्या बात है यार। अच्छा इसी तरह दुआए कुनूत रुकू से पहले भी जाएगा, रुकू के बाद भी जाएगा, कबल रुकू ये वो बाद रुकू, कभी इस पे अमल कर लो, कभी उस पे अमल कर लो, झगड़ने की आखिरी दौर में आखिरी वक्त में क्या वो वही पता है तो बता दे, नहीं वो बताऊंगा मैं, वो फिर एक अलग सब्जेक्ट उस पर रखेंगे हम, तो इसमें फिर वही है कि हम किसी एक सहाबी के ऊपर डिपेंड करके एक सहाबी की सुन्नत पर नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए। मेरा ख्याल ये है तमाम सहाबा की रिवायात हम अपने सामने रखना चाहिए, और अकरब इलल किताब, अकरब इलस सुन्नत, उसकी हमें पैरवी करनी चाहिए। जी आपका कोई सवाल था जी? अब्दुल मुकीम टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, आई होप कि मेरा सवाल प्रॉपर सेक्रेटरी, आपने ये बताया था कि जब नमाज पढ़ रहे हैं तो वो दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें बस बसे आ रहे होते हैं और किसी में जहाज कर रहा होता है, तो आजकल की उनके तरावी पढ़ रहे हैं, हम हमारी बदकिस्मत है कि हमें कुरान समझ नहीं आता, तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो अगर इसका इमीजिएट कोई सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि हम अपनी तरावी पढ़ें और हम बस पर ना पहुंच जाएं कहीं और काफी आगे पहुंच जाते हैं, उसकी कोई आप देखिए, अब मैं फिर मैं आपसे माजरत पहले कर लूं हाथ जोड़ के कि मुझे फिर तनकीद करनी पड़ेगी। हमारे बच्चों को हाफिज बना दिया जाता है लेकिन उनको अरबी जबान नहीं सिखाई जाती, कुरान पढ़कर ये रोते नहीं। अब अच्छा ये जो हमारे मौलवी हजरात और हाफिज हजरात हैं ये कुरान की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। कुरान कहता है रत्तिलिल कुरान तरतीला, रुक रुक कर ठहर ठहर कर पढ़ो। हदीस में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद रुकते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आयतों को कभी नहीं मिलाते थे। उम्मे सलमा फरमाती हैं, उम्मे सलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हमारी मां, फरमाती हैं आपका हर हर्फ वाज़े होता, रुक रुक कर ठहर ठहर कर इत्मीनान से पढ़ते। सुनिए बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने कहा कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तेजी से, फरमाया महीने में एक कुरान खत्म करो। अरबी जानते थे, अहले जबान थे, अपने बाप फातेह मिस्र अमर बिन आस से पहले इस्लाम ले आए थे, इतने नेक थे, अपने बाप की बास बहुत सारी बातों का साथ नहीं दिया उन्होंने, उन बाप जो है लड़ रहे थे तो उनके साथ लड़ाई से करारा कच रहे, इतने नेक थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं महीने में पढ़ना चाहता हूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस काफी है, उन्होंने कहा मैं और ज्यादा तेज पढ़ना चाहता हूं, फरमाया महीने में दो कुरान खत्म कर, उन्होंने कहा मैं और ज्यादा तेज पढ़ सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि महीने फिर हफ्ते में एक कर, कहा कि और ज्यादा पढ़ सकता हूं, फरमाया तीन दिन। तो हदीस में है मन लम यफका मन करअल फी अकल मिन सलास, फी अकल मिन सलास, उसने कुरान को नहीं समझा जिसने तीन दिन से कम में कुरान को खत्म किया।
तो पढ़ना है ना, देखिए कुरान में अल्लाह ताला कहता है ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के पास मत जाओ, क्यों, हत्ता तालमू मा तकुलून, ताकि तुम्हें मालूम हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, नशे में तुमको पता नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हो, हत्या टालो, आप नशा नहीं करते लेकिन आपकी नमाज बिल्कुल शराबी की नमाज है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहे हैं। तो ये जो तेज काम है, एक सांस में आप सूरह फातिहा पढ़ देते हैं और आधे घंटे में आप तरावी से फारिग हो जाते हैं, घंटे में फारिग हो जाते हैं और बड़ी स्पीड लगा लेते हैं, सवा घंटे में पढ़ ली, इसका क्या फायदा है? तो हल क्या है इसका मैं बता रहा हूं, इसका हल ये है कि आप तरावी में जाने से पहले कुरान एक मरतबा पढ़ लीजिए, एक दो मरतबा उर्दू तर्जुमा अच्छी तरह पढ़ लीजिए और ये 8-10 साल इस तरह आप अमल करेंगे तो कुरान से आप रुशनास हो जाएंगे। जैसे आप ब्लू एरिया गए, पर सीखिए, पहली दफा भटक गए, दूसरी दफा भटक गए, तीसरी दफा भटक गए, लेकिन 20 मरतबा ब्लू एरिया का चक्कर लगाएंगे आप तो हर प्लाजा आपको जमानी याद हो जाएगा, सेवर कहां है और फलां कहां है सब पता होगा। बिल्कुल इसी तरह एक रमजान, दो रमजान, चार रमजान आप सूरह अनआम पर अथॉरिटी हो गई, आप उसकी सारी गली कूचों से वाकिफ की, इसके बाद ये मजमून आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आयत आएगी, तो 15-20 तरावियां इस तरह आप पढ़ेंगे अच्छी तरह तो आप फॉलो करेंगे कि इमाम क्या पढ़ रहा है। दूसरी चीज, आपको उस मस्जिद का इंतखाब करना चाहिए जहां आदमी रुक रुक कर टहर टहर कर इत्मीनान से कुरान पढ़ाता, और उस आदमी के पीछे नमाज मत पढ़िए जो तेज पढ़ता है। तो आप फिर वही है, थोड़ा समझिए ना, क्या जरूरी है कि पूरा कुरान खत्म कर ले, क्या जरूरी है बताइए। कि अगर फर्ज कीजिए आप सूरह इस रमजान में आप सूरह बकरा ही समझ लेते हैं और 6 मरतबा सूरह बकरा सुनते हैं बार बार, तो वो ज्यादा बेहतर है या पूरा कुरान आपने जो है दौड़ लगा दी थी इस गांव के साथ अलिफ से लेके अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक, कुरान ये खत्म कुरान भी का भी एक ये एक क्या है एक एक हवा बना दिया है, खत्म कुरान खत्म होना जरूरी है, शबीने में खत्म करना है, लोग मूंग रहे हैं, वो टेलीविजन पर फैसल मस्जिद की तरह भी आती ना, लोग खड़े हुए मूंगते रहते हैं और जो है एक रात में शबीना हो गया जी, 3 में खत्म हो गया जी शबीना, एक ड्रामा है, एक रस्म है, मिलता जुलता कुछ नहीं, ना सवाब मिलता है इससे आपको, समझे आप, ना कुरान फहमी हासिल होती है, ना आपकी शख्सियत के अंदर कोई तब्दीली आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा के बंद ची समझे, मतलब ये तकलीफ क्यों जरूरी है, क्या वो गलत होना जरूरी है? मेरा नाम याकूब है, मैं बैंक जॉब से ले रही हूँ। मैं क्वेश्चन मेरा जो है वो ये है कि हमारे पास एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है कि बुतों को मेरी लादीनी मुबारक कि है आज आतशे अल्लाह सर। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि इसको थोड़ा सा हमें अपने नॉलेज मुताबिक बता दें इसको क्या है, और एक कमेंट रही है जितनी आपकी बहुत सारी हुई है, मैं समझता हूँ एक तरफ से ये कहूँगा कि हमारा डिलेमा आज यही है कि मैं अपने ऊपर तवज्जो देने की बजाय मैं हर दूसरे बंदे को कंडेम करता हूँ, तो हमारा जो सोल्यूशन तो ये कि आज कंसनट्रेट और आए सर। मेरा नाम अली अहमद है जी, मैं भी टैक्स हूँ, थोड़ी सी बेस्ट था आपके बड़ा मदद तमीज थी माशाल्लाह, कुछ मुहासबा नफ्स के बारे में कुछ में नोट दे। आपने क्या तकलीद के बारे में, तकलीद के बारे में पहले इनके सवाल का मैं जवाब दूं, तकलीद अब ये भी एक अलग मौजू है, इसके लिए भी एक घंटा चाहिए, मैं मुख्तसर जवाब देता हूं। 100% तकलीद तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा सकती है, क्योंकि वो आखिरी नबी हैं और अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो, उन्हीं की तकलीद। अच्छा, लेकिन जदीद मसाइल में ऐसे मसाइल जिनका जवाब कुरान और हदीस में नहीं है, जैसे आंखों का हदिया है या गुर्दे जो है गुर्दे डोनेट करना है मिसाल के तौर पर, या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, फाइनेंस के इश्यूज हैं, बैंकिंग के हमारे यक्ष बैठे हुए,
समझे, तो इसमें हमें इश्तिहाद करना पड़ेगा और हमें एक नई फिकह वजूद में लानी पड़ेगी। अच्छा, तो हुआ ये कि इसके मुख्तलिफ तरीके राइज हो गए इश्तिहाद के, और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए इश्तिहाद के, कुछ उसूल बनाए, फिकह के कुछ उसूल बनाए। वो उसूल लोकलाइज थे, यानी इराक वालों ने कुछ उसूल बनाए, मदीने वालों ने कुछ उसूल बनाए इश्तिहाद। हुआ ये जब इनको आपस में जोड़ा गया, या मिस्र वालों ने कुछ उसूल बना लिए, जब इनको जोड़ा गया तो वो बास हदीसों के खिलाफ पढ़ने लगे, उसूल ही गलत हो गए। उस पर लोगों ने कहा कि आपका उसूल ही गलत है, ये तो हदीस के खिलाफ आ रहा है। उन्होंने कहा कि मदीने वालों का उसूल गलत है, उन्होंने कहा कि इराक वालों का ये उसूल गलत है, उन्होंने कहा मिस्र वालों का ये उसूल गलत है। तो जो मेथड ऑफ डेरिवेशन और जो इस्तेमाल नए मसाइल के हल के लिए, तो हमें कैसे उसका जवाब तलाश करना चाहिए? क्या डायरेक्टली कुरान और सुन्नत से करना चाहिए, या फिर जो बुजुर्गों ने फतवे दिए हैं उनकी रोशनी में इश्तिहाद करना चाहिए? तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास कुरान और सुन्नत का इतना इल्म है नहीं, तो ये जो इन्होंने फतवा दिया है इसी फतवे में से हम एक और फतवा निकालें। तो अब ये भी एक बड़ा मसला है कि उम्मत के अंदर ऐसे बड़े उलमा की जरूरत है जो कुरान और हदीस पर महारत रखते हो, और फिर जितने फतवे दिए गए हैं, हनफिया ने दिए, मालिकिया ने, शाफिया ने, सबके फतावा भी उनके सामने हो, फिर वो सोचे कि ये 21वीं सदी का मसला है, ये 21वीं सदी का मसला है, इसका हल हम क्या होना चाहिए। ये मसले मिसाल के तौर पर बैंकिंग के मसले इमाम अबू हनीफा के जमाने में नहीं थे, इमाम शाफी के जमाने में नहीं थे, ये जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है क्या इमाम मालिक के जमाने में थी। तो ये कहना कि उनकी की रोशनी में ये सारी चीजें होंगी, ये भी गुलू है और ये भी मुबालगा आमेजी है। तो इसमें फिर वही है कि फिर वो एक तफसीली मौजू है, फिर हम इस पर कभी मिसालों के जरिए हम बहुत सारी चीजें समझाएंगे। जी, याकूब भाई ने जो बात की, मैं वो शेर मुझे याद नहीं है, फिर दोबारा पढ़ दीजिए शेर, वो क्या है? तो मेरी लादी मुबारक, ये पहला हिस्सा है, और दूसरा है कि है आज आतशे अल्लाह सर। अच्छा, ये तो मुझे अब ये दूसरा मिसरा तो मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये आपने जिस अंदाज से पढ़ा है तो मुझे तो ये तो बहर में भी नहीं लगता, वजन में भी नहीं लगता। और दूसरा मिसरा तो यकीनन आतिशे अल्लाह सर्द है, वो तो समझ में आ रही है बात, वो पहला मिसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल, जिस चीज का रोना मैंने अपनी तकरीर में रोया है, अल्लामा इकबाल भी रोते रहे, और उन्होंने ये बात कही है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाजो रोजो कुर्बानियों हज ये सब बाकी हैं, लेकिन तू बाकी नहीं। तो अब देखिए, मैं कह रहा हूं नमाज का ढांचा मौजूद है ना, नमाज की रूह उड़ गई है, रोजे रख रहे हैं उम्मत, रोजे की रूह उड़ गई है। यानी फिर मैंने वही बात की कि हम क्वांटिटी पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्वालिटी पर नहीं दे रहे हैं। तो बातिन जाहिर पर हम ज्यादा जोर देते हैं, बातिन पर नहीं देते। और फिर तसव्वुफ के अंदर भी यही हुआ है कि उन्होंने तसव्वुफ का जो जाहिर है यानी बयात वगैरह, इस पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया उन्होंने, सिलसिले पर, पगड़ियों पर, कोई हरी पगड़ी है, कोई लाल पगड़ी है, कोई सफेद पगड़ी है, टोपियां मुख्तलिफ हो गई, इस पर झगड़े शुरू हो गए। किसी ने कहा जी चिश्तिया सिलसिला तो घटिया सिलसिला होता है, क्योंकि ये लोग वो समा करते हैं, हमारा सिलसिला कादरिया सिलसिला बिदतों से पाक है, हमारा बहुत अच्छा सिलसिला है। तो वो आपस में भी झगड़ते रहते हैं सिलसिलों के बारे में। तो असल बात वही है मेरे भाई कि हमें अच्छी चीज कहीं भी वो ले लेनी चाहिए, बुरी चीज कहीं भी हो उसको छोड़ देना चाहिए, और निगाह हमारी कुरान और सुन्नत की तरफ होनी चाहिए। तो हर एक को जोड़ना है, हमें इस उम्मत को जोड़ना भी है। तो मैं एक बात बता दूं, न मैं तसव्वुफ का अंधा दुश्मन हूं, न मैं तसव्वुफ का अंधा जो है उसका वकील हूं,
तसव्वुफ में बहुत सारी चीजों को मैं गलत और हराम समझता हूं और उसको मिटाना चाहता हूं। तसव्वुफ के अंदर बहुत सारी चीजें कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हैं, उनको फैलाना हमारा फर्ज है। तो इफरात और तफरीद का हम शिकार हो गए हैं और हर ग्रोह अपने अपने, जैसे कुरान कहता है कुल्लु हिस्बिन बिमा लदई ही फरीद, तो हर ग्रोह अपने अपने आप में मगन है, खुश है और दूसरों को वो कंडेम करता है, अपने आप को अच्छा समझता है। हमारे भाई ने, तीसरे भाई ने जो सवाल किया है, ये अहम बात है कि हम अपने नफ्स का मुहासिबा कैसे करें, सोने से पहले करें, या अल्लाह आज जितने गुनाह मैंने किए वो माफ करें। दूसरी चीज, जवानी को याद करें, 25 साल की उम्र में मैंने ये गुनाह किया था, 30 साल में ये किया था, 35 साल में ये किया था, 40 साल में ये किया था, 45 साल में ये किया था, मैंने इसको डांटा था, उसको गाली दी थी, उसको मारा था, ये अल्लाह माफ कर दो, और जिसको मैंने तकलीफ पहुंचाई थी उसके दर्जात बुलंद करो, ये अल्लाह मैंने उसको ज्यादती की थी तो मैं जो है उसको रिवॉर्ड दे, उसको तकलीफ पहुंची थी उसको जो है बदला दे, अपनी रहमत उसके ऊपर निछावर कर, उसके हक में दुआ करो। तो अपने नफ्स का मुसलसल जायजा लेते रहना, अच्छा फिर अकड़ ना हो। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां मैंने तकरीर, अगर एक साहब उठ के कहते हैं कि चिश्ती साहब आपने ये बात गलत की, ये बात गलत की, ये बात गलत की, अब मैं कहूंगा अच्छा जी आप बैठिए, आपको ज्यादा पता है मुझे ज्यादा पता है, बैठिए आप नहीं जानते मैं ज्यादा जानता हूं, तो ये क्या चीज है, ये भी तकब्बुर है, गुरूर की एक शिकल। मैं किताब लिखता हूं, किताब के ऊपर तनकीद आती है तो कहते हैं कि आपने ये बात गलत लिखी, ये बात लिखी, और मेरा नफ्स ये कहता है कि मैं उसको जवाब दूं, उसको नहीं तुम गलत हो मैं गलत नहीं हो सकता। तो अपने आप को हमेशा आजीज समझना, हकीर समझना, तालिबे इल्म समझना कि मेरी इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। अच्छा फिर मैं आपको चंद एक बात बताता हूं, इस्तिग़फ़ार, आप ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, अगर आप गुनाहगार ही नहीं समझते तो इस्तिग़फ़ार करने की क्या जरूरत है आपको। तो अगर आप इस्तिग़फ़ार करने वाला यह कहता है अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मैं मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत यूनुस की ये दुआ पढ़कर जो दुआ मांगेगा तो वो उसकी जो भी बड़े से बड़ा गुनाह भी होगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत। तो इसमें तीन बातें हैं, एक तो अल्लाह की उलूहियत का ऐलान है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी कि वो सुबहान है, तीसरी चीज ये है कि मैं ज़ालिम हूं। तीन बातें होंगी ना, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी क्या होगी सुभान, तीसरी चीज क्या होगी इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी पहली बात यह है कि तेरे अलावा कोई पावर नहीं है, इलाह का मतलब यहां पावर का मतलब है यहां कि तूने ही मुझे मछली के पेट में डाला, तेरे अलावा कोई निकाल नहीं सकता, यहां पावर तेरे पास है किसी और के पास नहीं। पहली बात सुभान, सुभान का मतलब यह है कि तू बेहब है, तूने जुल्म नहीं किया, तूने अगर मुझे सजा दी तो वाकई सजा सही दी है, मैं इसका मुस्तक था, मैंने कोई गलती की थी जिसकी ये सजा मुझे मिल रही है। तू जुल्म, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन अन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, मैंने कोई गलती की थी होगी उसकी मुझे सजा मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं को तो मिनत डाले थी, अच्छा सुबहान का मतलब ये है कि अल्लाह तू बेऐब है, मेरे अंदर ऐब है। तो अगर आप ये अपने दिल के अंदर समझ लें, और मैं अपने आप से भी मुखातिब हूं कि मैं ऐब वाला हूं, मैं ऐब वाला हूं, या अल्लाह मेरे ऐब दूर कर, मेरे ऐब दूर कर, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ आज से ताजा तरीन आज मुझसे इतने गुनाह हुए, 5 साल पहले इतने हुए थे, 10 साल पहले इतने हुए थे, अब कुछ कम हो गए लेकिन आज भी इतने हुए, 1 हफ्ता पहले ही हुए, तो इस पर माफी मांगना। अच्छा दूसरी चीज कि जिससे के साथ आपने ज्यादती की है उसके घर पे चले जाना, उससे माफी मांगना, भाई मैंने उस दिन आपसे कुछ कह दिया था, उससे मैं कह दिया था तो मुझे आप माफ कर दें। तो लेकिन आपका जो नफ्स है वही
जो लोन साहब जिसको खुदा कह रहे थे, अंदर एक खुदा बैठा हुआ है, एक फिरौन बैठा हुआ, वो कहता है मैं उसके घर चल के जाऊं, मैं ये जो मैं है ना इंसान की, ये बहुत, ये बड़ा शैतान है, मैं उसके घर क्यों जाऊं, मैं गलत नहीं हो सकता। अच्छा एक और बात यहां थोड़ी सी जिम्मी बता देता हूं मैं कि तकब्बुर में और एतमाद में क्या फर्क है, जरा इसको समझ लीजिए। इमाम शाफई ये कहते थे मैं सही हूं और सारे जितने लोग हैं वो गलत हैं, ये उनका एतमाद था, लेकिन मुझसे भी गलती का इम्कान है। ये देखिए, फिर वो कहते थे सारे लोग जितने दूसरों ने बातें कही हैं, फतवे दिए हैं, सब गलत किए हैं, लेकिन उनसे भी सही बात का इम्कान मौजूद है। यानी आपको अपनी रिसर्च पर, अपनी तहकीक पर एतमाद होना चाहिए। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहां तम्मा लिखा हुआ था बाब तफ़ील, तो ये बाब तफ़ील नहीं है, तम्मा। मैंने जो है, मैंने पूरे एतमाद के साथ पहले कलम लेके वहां अलिफ लगाया, मैंने अतम्मा जो है वो जो है तम्मा अतम्मा जो है बाब इफ़ाल से होगा, तम्मा बाब तफ़ील से होगा, तम्मा नहीं होगा, तम्मा तो मुजर्रद है। तो मैंने पूरे एतमाद के साथ, लेकिन मुझसे गलती भी हो सकती है, समझ गया, मुझसे गलती भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, मैं भूल भी सकता हूं, गलती भी कर सकता हूं। तो अपने आप को हकीर और फकीर समझना, रोना अल्लाह के आगे, गिड़गिड़ाना अपने आंसुओं के साथ, और अल्लाह से बातचीत करना, अल्लाह से गुफ्तगू करना, अपने नफ्स का जायजा लेना, ये है असल बात। और जब ये आपको, इस रास्ते पे आप चल पड़ेंगे तो फिर जो है कुछ बेहतरी के इम्कान हो सकते हैं। ये आखिरी हम सवाल लेंगे यहां। अस्सलाम वालेकुम, खवातीन का बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए करने के बारे में इस्लाम महरम के बगैर जाने की इजाजत नहीं देता, 21वीं सदी का मसला है, क्योंकि अब वजीफे मिलते हैं और महरम को ले जाना मुमकिन नहीं है, इस सूरत में क्या इश्तिहाद की जरूरत है या नहीं है? अच्छा भाई, वो एक लंबा मसला है, मुख्तसर इश्तिहाद में एक बात याद रखिए कि इश्तिहाद से हराम को हलाल नहीं किया जा सकता, हलाल को हराम नहीं किया जा सकता। इश्तिहाद में हम करते क्या है, एक तो एक आदमी मुश्किल में फंसा हुआ है तो हम देखते हैं कि उसको इस खास हालत में सिर्फ उस आदमी के लिए कोई सहूलत दी जा सकती है या नहीं। यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पेशाब का एक कतरा भी अगर आपके कपड़े पर हो तो नमाज नहीं हो, लेकिन एक खास आदमी हो, जैसे ये पूछते हैं पेशाब के खतरे के साथ नमाज होगी, मैं कहूंगा नहीं होगी, लेकिन एक खास आदमी है उसको मैं ये कहूंगा हाँ पूरी थैली के साथ भी, पेशाब की पूरी थैली लटकी हुई है उसके साथ भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी, समझ गए? तो मैं उस पेश एक खास आदमी है, एक खास आदमी है उसके लिए मैं खास सहूलत देता हूं। तो इश्तिहाद में हम लोगों को सहूलत देना, और नबी करीम सासम लोगों को सहूलत देते, यस्सिरु वला तुअस्सिरु, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, जितनी आपकी मजबूरी होगी, जायज मजबूरी होगी, मजबूरी हो बशर्ते कि मजबूरी हो ना, थैली लगी हुई है मजबूरी है आपको, लेकिन अमेरिका में तालीम हासिल करना लड़की का यह आपकी मजबूरी तो नहीं है, ये मजबूरी तो नहीं है ना, तो आप बगैर महरम के आप वहां जाना चाहते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं, और फिर कौन से शोबे में जाना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग, समझे? तो वहां से आप लौटेंगी, अगर खातून लौटेगी तो वो आफत ही बन के लौटेगी, अल्लाह का अजाब बन के ही लौटेगी वो। तो अब एक हां, अगर वो बापर्दा, अब इसमें फिर सफर के बारे में ये है कि तीन यानी 24 घंटे का सफर या 3 दिन का सफर बगैर महरम के किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी आदाब है, नकाब में या नकाब न भी हो, कम से कम सातिर लिबास हो और खुशबू लगाकर न जलाएं और ठीला ढाला न हो,
بیجا گفتگو نہ کی جائے، یا مثال کے طور پر یہاں سے ہم چڑھا دیتے ہیں کسی خاتون کا میاں اگر سعودی عرب میں کام کر رہا کرتی تھی تو یہاں سے وہ اس کے والد نے اس کو پلین میں سوار کرا دیا اور وہاں شوہر نے اس کو وصول کر لیا، تو بغیر محرم کے بھی ہم اس کو اجازت دے دیں گے، کیونکہ وہ چار پانچ گھنٹے، کیونکہ حدیث میں ہے 24 گھنٹے کا سفر کر سکتی ہے، 3 دن 3 راتوں کا سفر کر سکتی ہے، تو لیکن یہاں پر مسلسل وہ 2 سال امریکہ میں بغیر محرم کے رہتی ہے، اور وہاں کے آپ کی ڈومیٹریز کا حال ہم سے پوچھئے نا، ہم امریکہ میں رہ کے آئے ہیں، ہم امریکہ میں پڑھ کے آئے ہیں، وہاں کے جو ہاسٹلس ہیں ڈومیٹریز میں کیا ہوتا ہے، وہاں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ سوتی ہیں، 10-10 لڑکیاں سوتی ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ایک لڑکا جو ہے وہ 10-10 لوگوں کے ساتھ سوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، تو وہاں کی جو کا ہاسٹل ہے امریکہ کے جو ہاسٹل ہیں ڈومیٹریز ہیں وہاں کی، وہ تو زنا کا اڈا اور شراب کا اڈا اور ڈرگس کا اڈا، اور وہاں تو فرائیڈے کے دن تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اتنے زور سے وہ ڈرمس اور میوزک اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں، تو ہم تو امریکہ میں پڑھ کے آئے ہیں، ہم سے پوچھئے کہ امریکہ کی زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک ہم کو ان فطروں سے محفوظ رکھا، لیکن میں کسی شریف زادی کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ وہ بغیر محرم کی امریکہ میں جا کر 2 سال کے لیے تنہا ڈومیٹریز میں رہ کر تعلیم حاصل کریں، میں کسی شریف زادی کو اس کا مشورہ نہیں دوں. ڈاکٹر صاحب زادی نہیں، دیکھیے سنیے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی وہ یورپ گئی تھیں پی ایچ ڈی کے لیے، لیکن وہ تنہا نہیں گئی تھیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھیں اور دونوں نے ڈاکٹریٹ ایک ساتھ حاصل کی، ایک ہی شعبے میں رہے، حدیث کے شعبے میں رہے، دونوں نے پی ایچ ڈی لی اور میاں بی بی دونوں مل کر گئے اور اپنی بچوں بچے بھی تھے ان کے ساتھ اس وقت، تو تنہا یہاں بات ہو رہی ہے، سوال یہ تھا کیا عورت تنہا بغیر محرم کے امریکہ کا سفر کر سکتی ہے، امریکہ جا کر تعلیم حاصل کر سکتی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ تنہا نہیں جا سکتی، 2 سال کے لیے تنہا نہیں رہ سکتی، تو اس میں کوئی اشتہاد کی کیا بات ہے، اس میں کون سی مجبوری ہے، کون سی پیشاب کی تھیلی لٹک رہی ہے کہ میں آپ کو سہولت دوں، سمجھے، تو اس میں کوئی اشتہاد نہیں ہو سکتا، تو اشتہاد کا ایک اصول سمجھ لیجئے، عبادات میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، کوئی نئی قسم کی نماز اور نئی قسم کا ذکر ایجاد نہیں کیا جا سکتا، عبادات کے نئے طریقے ایجاد نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح ذکر بھی مسنون ذکر ہوگا اور ذکر کی مقدار بھی مسنون ہوگی، اور اجتہاد کے نتیجے میں کوئی نیا طریقہ ذکر ایجاد نہیں کیا جا سکتا، دوسری بات عقیدے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، ہاں لین دین میں، ناپ تول میں اور طبی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں، معاشرت میں بہت سارے اجتہادات کی گنجائش ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ ہم لوگوں نے یہ بند کر دیا، چار امام اس کے بعد اجتہاد نہیں ہو سکتا، اور چار اماموں نے اجتہاد کیا، اس کے بعد انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، دروازے پہ تالا لگا دیا، اور چاروں اماموں نے تالے کی چابی بھی جو ہے لے کے چلے گئے ہیں، اب قیامت تک اجتہاد نہیں ہو سکتا، چاروں نے جو کر دیا کر دیا، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، قیامت تک اجتہاد ہونا چاہیے، امت کو راستہ دکھانا چاہیے، قیامت تک 4 لوگوں، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 4 لوگوں کا اجتہاد ہے اس کے بعد کوئی اجتہاد نہیں ہوگا، اس دور کے مسائل نے تو نئے دور کا جو مفتی ہوگا وہ اپنی رائے دے گا، اور جو ہے اجتہاد اگر غلط بھی ہوگا تو 1 اجر ملے گا، اجتہاد اگر صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا کرے گا، بشرطے کہ اجتہاد کرنے والا قرآن و سنت کا علم رکھتا ہو، اخلاص ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور قرآن و سنت کا باغی نہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین استغفروا انہ جزاک اللہ خیر. ہم شکر گزار ہیں مولانا چشتی صاحب کے جو انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور ہمیں بہت سارا فائدہ. تو اس کے ساتھ سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، اگر کسی کا کوئی انفرادی سوال ہو تو بات لا کر پوچھ سکتے ہیں. وصلى الله تعالى على نبينا محمد.